सत श्री अकाल जी, मैं आशा शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी ते अज दी वड्डी खबर तुहाडे नाल सांझी कर रहे हां। पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट ने जथेदार गुरदेव सिंह कौंके दे कतल मामले च पंजाब पुलिस दे संबंध तत्काली अधिकारियां ते पंजाब सरकार नूं नोटिस जारी करके 9 अप्रैल 2024 नूं अगली सुनवाई तय कीती है। मानयोग उच्च अदालत दे विच जथेदार कौंके दे परिवार वल्लों श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे सहयोग नाल इह पटीशन दायर कीती गई सी। उच्च अदालत दे विच पाई पटीशन ते अहम सुनवाई हुई जिस तहत पंजाब सरकार ते संबंधित पुलिस अधिकारियों नूं नोटिस जारी करके जवाब मंगया गया। सो इस संबंधी जानकारी देने दे लई अते पूरी गलबात करन दे लई मेरे नाल फोन ते जुड़े ने मेरे सहयोगी अमरजीत सिंह जी। हाँ जी अमरजीत सिंह जी, अज दी खबर बारे की कहोगे जो जथेदार गुरदेव सिंह कौंके मामले दे विच हाई कोर्ट दे वल्लों जो पुलिस दे तत्काली अधिकारी ने उन्होंने अते पंजाब सरकार नूं नोटिस जारी किया गया है। देना चाहना इस वेले की जी वही खबर आई है, क्योंकि जेकर गल की जाए पंजाब के जो अहम जरा मसला वो छिड़िया होया जिसको लेके जथेदार गुरदेव सिंह कौंके ने मामले में लेके जो कि श्री अकाल तख्त साहब के सबका जथेदार यानी कि उस समय जथेदार जिन्होंने उपर जरा दसा जा रहा तशद किया गया परिवारिक मेंबरां दे किसे नूं वी नहीं दस्या गया सी। हालांकि इह खबरां सामने आई सी कि लाभ तो हो चुके ने, पर बाद दे विच जो कि खबरां सामने आउंदियां ने जदों फाइलां खुलदियां ने, हालांकि 25 साल तक तां फाइलां वी बंद रहिंदियां ने। जी बिल्कुल बिल्कुल तुसीं ठीक कह रहे हो, क्योंकि 25 साल तक इहनियां फाइलां ने उह बंद रहिण, जिस तों बाद श्री अकाल तख्त साहिब दे साबका जथेदार सिंह साहिब गैनी हरप्रीत सिंह जी ने कहा सी जी कि 25 साल हो गए जिहड़ियां फाइलां ने उह पेटी दे विच धूर नाल सड़ रहियां ने, पर किसी भी सरकार ने जिहड़ा इंसाफ दवाउण दी जिहड़ी कोशिश नहीं कीती है। पर की लगदा है क्यों नहीं उदों तक फाइलां खोलियां गईयां? कई सरकारां आईयां, वादे वी कीते गए उन्हां दे वल्लों, पर फिर क्यों नहीं फाइलां खोलियां गईयां? जी बिल्कुल, कितने ना कितने आपां कह सकदे जिहड़ा हक हक ते सच दी लड़ाई लड़न वाले जिहड़े हमेशा ही जिहड़ा गरीब लोकां दे नाल खड़न वाले जथेदार गुरदेव सिंह कौंके दे मामले लैके, क्योंकि ओह हमेशा ओह हक ते सच दी जिहड़ी लड़ाई लड़दे सी, क्योंकि ओह मूंह ते जिहड़े गल कहण वाले सन ते लोकां दी मदद करन वाले सन, तां इस तरह जिहड़ा सरकारां दे जिहड़ा उहनां नूं बर्दाश्त नहीं होया जी, इह क्यों इस तरह दा कर रहा? क्योंकि सरकार चाहुंदी है कि जिहड़े जथेदार ने ओह साडे अंडर चलण, यानी कि जिस तरह अज दे दौर दी गल कीती जावे, क्योंकि जिहड़ा अज दा दौर चल रहा है जिस तरह अकाल तख्त जथेदार की गल की जाए तो वह हमेशा किया जाता है कि परची के विचों निकले ने, क्योंकि बादलों की जी है परची तो निकले ने, तो इस तरह जरा एक स्पष्ट तौर पर काम करते सन। तो कितने कहते जी इस वेले की वही खबर आप आने आप मुड़ के जरा पंजाब के हरियाणा हाई कोर्ट ने जरा जो उस समय के जो तत्काली पुलिस मुलाजम सन जिन्हों की जी है लगातार वक् वक् चैनल के उपर इंटरव्यू चल रही है, जिस वालों कहा गया कि मैं बोलने की पूरी कोशिश करता सी, मैनू जरा मौजूदा सरकार उस समय की सरकार वालों जरा रोक दिता जाता सी भी जथेदार कौंके नूं जिहड़ा होया की सी जी जेल दे विच किस तरह तशद्दुद किया जाता सी, तां उहनां नूं जिहड़ा नोटिस कढ़िया गया तां उह जिहड़ा हुण हाई कोर्ट पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट दे विच जवाब देणगे भी उस समय किहड़ा मुलाजम सी ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ।
ਸਾਧੂਵਾਲ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰੇ ਕੌਮ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਕਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੀਗਲ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸਦਾ ਕੇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁੱਧ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਆ ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਜਾਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸੋ ਜਲਦ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਂਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸ ਦਈਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਂਕੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੋ ਕਿ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਧੰਨਵਾਦ